because the country, other countries took many, many years to do this kind of thing. I won't take the names, but some of the large countries and very rich countries, they took about 20 years to install a system like this. But they started very early. In our country, we have started when Prime Minister Modi ji put huge focus on this project. So now we are at a situation where Kavach 4.0 is approved, and now we can rapidly start the rolling out of the Kavach. Kavach is a system which has 5 major subsystems. Entire track ke saath mein lagana padta hai optical fiber cable. Jaisa telecom ka network hota hai, BSNL, Jio, Airtel, waisa hi telecom ke towers lagane padte hain har 4-4, 5-5 kilometer pe. Pahadi kshetra mein zyada lagane padte hain, 2-2 kilometer mein bhi lagane pad jate hain. Jo ekdam plain hota hai wahan pe 8 kilometer ya 10 kilometer ki distance pe bhi tower lagta hai. Har station pe ek data center banta hai. वो डेटा सेंटर के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और सिग्नल्स का पूरा सिस्टम इंटीग्रेट होता है. फिर जो जितने भी लोकोमोटिव्स और ट्रेन्स हैं उसके ऊपर भी कवच का पूरा एक सिस्टम लगता है. तो और ट्रैक्स के ऊपर आरएफआईडी डिवाइसेस लगते हैं. तो एक बहुत ही मेजर मतलब कॉम्प्लेक्सिटी वाला एक ये पूरा का पूरा सिस्टम है. The way our entire teams have worked, in a very short time frame, this entire development has happened. Kavach 4.0 version has been frozen, and now we can rapidly roll out Kavach across the country. Very soon we will be coming out with the complete action plan, which I'll share with you. But whatever bottlenecks we had are now more or less getting into a good shape. सर एक सवाल है, ये नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कब होगा? बहुत तेजी से चल रहा है, आगामी कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाएगा. सर जैसे कि आपने मेंशन किया है पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए 10,76,000 तो 8 स्टेट्स है, तो 8 स्टेट्स के हिसाब से देखा जाए 1,200 करोड़ मिल रहा है एक स्टेट को. ऐसा नहीं देखना चाहिए. रेलवे का क्या होता है ना, रेलवे स्ट्रैडल्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट बाउंड्रीज. ट्रेन अगर मान लो त्रिपुरा से स्टार्ट हुई और दिल्ली आई, राइट, तो रेलवे उस तरह से नहीं देखा जाता है, क्योंकि स्टेट में क्या होता है कि स्टेट की एक डिफाइंड बाउंड्री है. रेलवे ट्रैक कट्स अक्रॉस डिफरेंट बॉर्डर्स एंड ट्रेवल्स. सो रेलवे का प्रोजेक्ट्स के हिसाब से देखना चाहिए इसको, स्टेट के हिसाब से न देखने के बजाय प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, दैट इज द राइट वे टू सी. एंड मोर ओवर और नए भी बहुत सारे सर्वेज कम्प्लीट हो रहे हैं, डीपीआरस बन रहे हैं. और नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा कांग्रेस के लंबे पीरियड में नॉर्थ ईस्ट के बारे में सिर्फ बात होती थी, लुक ईस्ट होता था. अब मोदी जी का एक्ट ईस्ट है, यानी कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. आपको मैं बताऊं, एक अभी मेरे सामने नंबर लाए कि कुछ समय पर वो टनल वाला लाना, मतलब रिकॉर्ड नंबर्स में टनलिंग का काम नॉर्थ ईस्ट में. बहुत टनल्स लगती हैं, तो एक साल में करीब करीब 89 किलोमीटर इतनी टनल्स बन रही है. 89 किलोमीटर टनल, मतलब वर्ल्ड का नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल और मिला के ना, नॉर्थ ईस्ट हिमाचल जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड मिला के, मतलब नॉर्थ ईस्ट में. अच्छा, और हिमालयन माउंटेन्स बहुत यंग माउंटेन्स है. सो हिमालयन माउंटेन्स के लिए जो टनलिंग का डिजाइन है वो अलग तरह का होता है. अब जैसे उड़ीसा में खुर्दा बुलंगीर में टनल चल रहा है, उसका डिजाइन अलग है, और नॉर्थ ईस्ट में डिजाइन होता है उसका डिजाइन अलग होता है. वाला पेपर आना जिसने ड्रॉ किया था अभी, अगर आप अगर उसकी डिस्क्रिप्शन दूं तो देखो, नॉर्मली टनल का डिजाइन इस तरह का होता है, उल्टा यू, राइट, यू का उल्टा शेप ले लो, वैसा होता है. जब माउंटेन्स यंग होते हैं तो उसके अंदर बड़े ग्रेनाइटिक स्टोन डेवलप नहीं होता है. ग्रेनाइट यानी तगड़ी बहुत मजबूत चट्टान होती है, तो वहां पे टनल बनाना आसान होता है, क्योंकि वो चट्टान अपनी स्ट्रेंथ टनल को देती है. अब जहां पे सॉफ्ट होती है स्ट्राटा टोपोग्राफी, तो उस केस में आपको
टनल की स्ट्रेंथ अलग तरीके से डिजाइन करनी पड़ती है। तो नॉर्थ ईस्ट के कारण और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कारण एक नया टनलिंग का मेथड डेवलप हुआ है जिसको कहते हैं हिमालयन टनलिंग मेथड। और इसमें टनल की डिजाइन इस तरह से होती है, ये जो लिया आपने, यानी करीब करीब हॉर्स शू जैसा शेप आ जाता है, राइट। ये जो डिजाइन होती है, डिजाइन कॉम्प्लेक्स होती है, डिफिकल्ट होती है, लेकिन इससे स्ट्रेंथ ज्यादा आती है और इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कंटिन्यूसली जैसे जैसे काम करें साथ ही साथ कॉन्क्रीटिंग करनी पड़ती है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।